हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 14th ऑफ सितंबर और 15th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से ही हम करंट अफेयर्स का शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली रोज इन वीडियोज को पूरा देखना है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलना है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर भी बेस्ड वीडियोज हम लगातार बेसिस पर डालते हैं, तो आप उनको भी जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी टू लॉन्च 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार टुडे। तो आज खुद प्राइम मिनिस्टर जो है 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है बिहार के अंदर उन्हें लॉन्च करेंगे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर इसे इनॉग्रेट करेंगे इन प्रोजेक्ट्स को। और आउट ऑफ दी 7 प्रोजेक्ट्स अगर बात करें तो 4 जो है देखिए वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, 2 जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड है और 1 जो है वो रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम है। ठीक है, अगर टोटल बात करें इन सभी 7 प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 541 करोड़। इसके अलावा अगर बात करें जो इनका इंप्लीमेंटेशन है इन प्रोजेक्ट्स का वो किसने किया है, हैज बीन अंडरटेकन बाय BUIDCO, यानी जो बिहार का अर्बन डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसने इसका किया है अंडर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट का जो इनका डिपार्टमेंट है उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया है। और इस जो लॉन्च के इवेंट में जो है खुद चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के नीतीश कुमार वो भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं COVID-19 की वैक्सीन से रिलेटेड। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है इंडिया के कि इट मे बी रेडी बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो 2021 के पहले क्वार्टर तक इसके रेडी होने की देखिए अभी तक संभावना जताई गई है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। देखिए कंफर्म तो कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी ये देखिए ट्रायल फेज में है सभी जितनी भी वैक्सीन है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द COVID-19 वैक्सीन मे बी रेडी बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 एज पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। करंटली अगर बात करें तो देखिए 3 वैक्सीन है जो कि एडवांस स्टेजेस में है, जिसमें से देखिए 2 तो खुद इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है जो कि ट्रायल 2 या हम फेज 2 में कह सकते हैं। ठीक है, और जबकि तीसरी जो है वो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है। तो टोटल 3 वैक्सीन है जो अभी एडवांस स्टेजेस में है। और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दैट वाइल इंटरेक्टिंग विद हिज सोशल मीडिया फॉलोअर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ संडे संवाद। तो हर संडे संवाद के तहत जो ये पहली बार जो है वो हेल्थ मिनिस्टर इंटरेक्ट कर रहे थे अपने सभी फॉलोअर्स के साथ, उन्होंने तब ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी एश्योर किया कि दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग फुल प्रिकॉशंस इन कंडक्टिंग द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन। देखिए ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया तीनों ही वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल्स के फेज में है, तो गवर्नमेंट जो है पूरा प्रिकॉशंस ले रही है। ऐसा कोई जल्दबाजी में नहीं है कि देखिए, क्योंकि वैक्सीन जो है सभी उन लोगों को दिया जाता है जो अभी इससे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात, अगर कोई भी इसमें किसी तरीके की भी लैकिंग नहीं हो सकती, इसलिए जो है गवर्नमेंट सभी तरीके के प्रिकॉशन ध्यान में रख के जो है ट्रायल को कंडक्ट कर रही है। इसके आगे अगर बात करें, द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एमरजेंसी ऑथराइजेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन सो दैट इट इज मेड अवेलेबल एट द अर्लीएस्ट टू दोज इन हाई रिस्क ग्रुप सच एज सीनियर सिटीजंस। और एक बार जब देखिए वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो है अगर वो फाइनल फेजेस तक अप्रूव हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट की ये देखिए कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनको बड़े लेवल पे इसको प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो खासकर हाई रिस्क ग्रुप में लोग आते हैं जैसे सीनियर सिटीजंस हो गए या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको सबसे पहले इसकी डोजेस दी जाए ताकि कम से कम जो है डेथ हो। तो ये खुद जानकारी हेल्थ मिनिस्टर ने दिया इसी संडे को संवाद के दौरान अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से, कि एक तो हो सकता है कि वैक्सीन उन्होंने कहा है कि पहले क्वार्टर तक रेडी हो जाए। देखिए कंफर्म जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये ट्रायल फेज में है। एक बार जब सारे ट्रायल फेज सक्सेसफुल रहेंगे तो ही जो है इसका फाइनल कह सकते हैं कि ये अप्रूव्ड हुई या नहीं हुई। ठीक है, और मैंने आपको बताया टोटल इंडिया के अंदर 3 वैक्सीन है जिसपे काम चल रहा है, जिसमें से 2 जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडिया की वैक्सीन है, जबकि तीसरी जो है वो बाहर की है, उसका भी जो है ट्रायल इंडिया में हो रहा है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर ने जैसे मैंने आपको बताया ये भी बताया कि सभी तरीके के प्रिकॉशंस जो है खासकर ह्यूमन ट्रायल के अंदर लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके विजुअल जब वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ बात कर रहे थे उसके। आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट की जो राज्यसभा के अंदर, किसको अपॉइंट कर दिया गया एक बार फिर से, हरिवंश सिंह जो है उन्हें रीइलेक्ट किया गया है एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब वो इस टाइम जो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है वो तो देखिए है मिस्टर वेंकैया नायडू, जो कि देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी है कंट्री के, आपको पता ही है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही जो है चेयरमैन की पोस्ट भी संभालता है राज्यसभा के अंदर। जबकि डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो उसके लिए दोबारा से रीइलेक्ट कौन किया गया है, हरिवंश सिंह, जो कि देखिए जेडीयू पार्टी से आते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं।
एनडीए कैंडिडेट हरिवंश सिंह हैज बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द अपर हाउस क्लियर्ड हिज नेम विदाउट विद अ वॉइस वोट, यानी सिर्फ जो एक्चुअल में वोटिंग होती है उसके बिना ही सिर्फ वॉइस वोट के ही बेसिस पर जो है इनकी अपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि देखिए वैसे बात इनके पास मेजोरिटी थी हरिवंश सिंह जी के पास, तो इसीलिए जो है वॉइस वोट के थ्रू ही जो है इनकी जो है इनका नाम क्लियर कर दिया गया। अगर बात करें बीजेपी के जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट है जेपी नड्डा, उन्होंने इनका नाम मूव किया था टू इलेक्ट हरिवंश सिंह एज द डिप्टी चेयरमैन एंड हिज मोशन वाज एडॉप्टेड, तो उसे अडॉप्ट कर लिया गया उनके मोशन को, प्रपोजल को, एंड लेटर चेयरमैन जो है राज्यसभा के मिस्टर एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया, अनाउंस किया। अगर बात करें ओपोजिशन की तरफ से जिन्हें खड़ा किया गया था वो कौन थे, आरजेडी के मनोज झा अगेंस्ट हरिवंश सिंह, बट मैं जैसे आपको बताया क्योंकि हरिवंश सिंह जी के पास पूरी मेजोरिटी थी तो इसीलिए जो है सिर्फ वॉइस वोट के थ्रू ही जो है इनका नाम क्लियर कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हरिवंश सिंह जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड बी इट एज अ जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर ही हैज एंडेड हिमसेल्फ टू मैनी। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर की भी इनकी भूमिका रही है, और इसके अलावा जो है ये जैसे मैं बताया जेडीयू के सांसद है बेसिकली राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो उनका काफी एक बड़ा रोल रहा इससे पहले भी, क्योंकि ये डिप्टी चेयरमैन थे तो इनका किस तरीके से ये प्रोसीडिंग संभालते थे राज्यसभा की, इस पर भी बात की प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसको आप नोट डाउन कर लें कि हरिवंश सिंह जी जो है दोबारा से डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे रीइलेक्ट कर दिए गए। अब यहाँ पर इसके विजुअल्स देख सकते हैं जब वो देखिए साइन कर रहे थे उसके। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो एडीबी के अंदर, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स टाकियो कोनिशी। ठीक है, टाकियो कोनिशी जो है उन्हें भारत का कंट्री डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट ये भी अपॉइंटमेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें इनके नाम को। सो द एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस दैट इट हैज अपॉइंटेड टाकियो कोनिशी एज कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, और ये किन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, किन्हें सक्सीड कर रहे हैं, केनिची योकोयामा को। यहां तक बात करें जो ऑफिशियल रिलीज प्रेस रिलीज जारी किया है एडीबी ने, उन्होंने कहा है कि जो केनिची योकोयामा जो अभी एट प्रेजेंट कंट्री डायरेक्टर थे इंडिया के, अब वो कौन सी पोस्ट संभालने जा रहे हैं, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे ऑफ एडीबी साउथ एशिया डिपार्टमेंट एंड विल बी बेस्ड एट एडीबी हेडक्वार्टर्स इन मनीला। तो मनीला के अंदर जाके जो है वो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट संभालेंगे ऑफ एडीबी साउथ एशिया डिपार्टमेंट। अगर जहां तक बात है टाकियो कोनिशी की, तो ये जो है एज हेड ऑफ द कंट्री ऑफिस इन न्यू दिल्ली विल बी लीडिंग एडीबीज ऑपरेशन एंड पॉलिसी डायलॉग विद द गवर्नमेंट एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स इन इंडिया। इसके अलावा देखिए इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडीबीज इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2018 से लेकर जो 2022 का पूरा प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंटेशन पर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए इंडिया जो है सबसे बड़ा एक तो बोरोअर है एडीबी का, जितने भी एडीबी के मेंबर्स हैं उसमें से इसके अलावा जो है फोर्थ सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग भी जो है वो भी एडीबी के अंदर इंडिया की है, तो फोर्थ बिगेस्ट शेयर होल्डर। और अगर बात करें बोरोइंग के टर्म्स में इंडिया ने सबसे ज्यादा लोन जो है वो एडीबी से आफ्टर 2010 अगर हम बात करें तो लिया हुआ है, तो इसलिए जो काफी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है खासकर कंट्री डायरेक्टर के पोस्ट पे टाकियो कोनिशी की। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि आपको पता हो कि अभी रिसेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनकी देखिए हेल्थ रीजन की वजह से, तो अब किन्हें अपॉइंट किया गया कि अब वो उन्हें सक्सीड करें एज पीएम, तो वो है योशीहिडे सुगा। ठीक है, योशीहिडे सुगा जो है अब अगले जापान के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अगर बात करें इन्हीं के बारे में, जो एट प्रेजेंट अब ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, और इन्होंने जो है कल ही जो है लीडरशिप वोट जो है उसके अंदर जीत लिया है ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। इसमें उन्होंने 377 वोट्स इन्हें मिले इन द पार्टी इलेक्शन टू पिक अ सक्सेसर टू प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिन्होंने देखिए रिसेंटली रिजाइन किया था इसी मंथ में, पिछले अगस्त मंथ में ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर बाकी दो कंटेंडर्स की बात करें जो इनके अगेंस्ट खड़े थे, उन्हें देखिए कंबाइंड कितने वोट्स मिले, 157। अगर बात करें जैसे मैंने आपको बताया सुगा इज करंटली द चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ आबेज गवर्नमेंट एंड ही विल बी कंफर्म्ड एज प्राइम मिनिस्टर बाय अ स्पेशल सेशन ऑफ द कंट्रीज पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। तो कल ही जो है स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट का, और उसमें इनका नाम लगभग कंफर्म है कि इन्हें ही जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे चुना जाएगा। और अभी मिड टर्म में देखिए अभी टेक ओवर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि पूरा जो अगली टर्म है इलेक्शन, क्योंकि अगले इलेक्शन सेप्टेम्बर 2021 में होने हैं जापान में, तो तब तक ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर ही बने रहेंगे। तो पूरा देखिए उम्मीद है, वैसे कल ऑफिशियली इनका नाम अनाउंस भी हो जाएगा वेडनेसडे को, बट फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लें इनके नाम को, योशीहिडे सुगा। ठीक है, इन्हें एज अ न्यू लीडर सेलेक्ट किया गया टू सक्सीड पीएम शिंजो आबे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये अभी एट प्रेजेंट चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे, इन्होंने जो भी वोटिंग हुई है उसमें उन्होंने, और इनकी पार्टी कौन सी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे जो है इन्हें सेलेक्ट किया गया, और इन्हें 377 वोट्स मिले टू पिक अ सक्सेसर टू प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, और जो बाकी के दो कंटेंडर्स थे उन्हें 157 वोट्स मिले। ठीक है,
अब यहाँ पे उनकी फोटो भी देख सकते हैं। और ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको देखिए डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने, तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएं जो कि है takshilalearning.com। वहां पे देखिए आपको ब्लॉग की फॉर्म में सारे करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड स्टैटिक न्यूज जो होती है वो भी हम वहां पे आपको डिटेल में प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको देखिए एक साल के भी पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिलियंट 50 बैच के अंदर, जिसमें देखिए हमारा मेन एम ये कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इन एग्जाम को क्रैक करें। इसके लिए पूरा आपको एक साल के लिए वीडियो कोर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स दी जाएंगी, आता कि आप प्रैक्टिस कर सके सारे कंसेप्ट को। देन इसके अलावा अगर बात करें तो वीकली बेसिस पे हम आपको असाइनमेंट्स भी सॉल्व करने के लिए देते हैं, आपकी रेगुलर ट्रैकिंग रहती है परफॉर्मेंस की, और लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं हर वीक में, ताकि आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को लाइव ही जो है रिजॉल्व करा सके। ठीक है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि यहां पर भी आपको काफी सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।